लेपड़ 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 भाई साहब स्टार्ट करो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवली। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं हरिद्वार में रहती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं नेचर और वाइल्ड लाइफ वीडियोस बनाने के लिए निकल जाती हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियो देखना अच्छा लगता है और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं हरिद्वार से 86 किलोमीटर दूर राजाजी नेशनल पार्क के मोहन गेट पे आई हूँ। यहाँ लेपर्ड साइटिंग होती रहती है। टाइगर भी बड़ी संख्या में है लेकिन साइटिंग कम होती है। इस फॉरेस्ट में एलिफेंट, हिमालयन ब्लैक डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, स्ट्राइप हाइना और बर्ड्स की 315 स्पीसीज मिलते हैं। फॉरेस्ट की नेचुरल ब्यूटी जो है वो बोलकर समझाना मुश्किल है। फॉरेस्ट की लैंडस्केप प्रति क्षण बदलता है। कभी नदी, कभी पहाड़, कभी घना जंगल, कभी घना ग्रासलैंड आपको मोहित कर देता है। मैं अपनी वाइल्ड लाइफ वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्पॉटेड डियर भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाई जाती है। राजाजी नेशनल पार्क में स्पॉटेड डियर भारी मात्रा में पाई जाती है। और ये है जंगल का सुंदर हिस्सा मोहन नदी के इलाके। राजाजी नेशनल पार्क अपनी हाथियों के संख्या के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ लगभग 360 हाथी हैं। फॉरेस्ट की वॉच टावर मचान से आप फॉरेस्ट की व्यू और वाइल्ड एनिमल देख सकते हैं। दूर तक हरियाली और दूर पेड़ में बैठी प्लम हेडेड पैराकीट की परिवार। कुछ ही दूर में एक गोल्डन बैक वुडपेकर पेड़ में छेद कर रही है। हो सकता है पेड़ कीड़ों से पीड़ित है। प्रकृति प्रेमी को वुडपेकर के इस संकेत से सचेत होकर पेड़ के रक्षा के लिए काम करना चाहिए। एक सूखे पेड़ में रिंग रोज पैराकीट भी अपने धुन में। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल बरगद की टहनियों पे लटके छोटे छोटे फल की आनंद ले रही है। ढोलखंड रेंज में चीतल घास चर रही है। तेंदुए शिकार करने के लिए रात तक की इंतजार नहीं करती और तेंदुए की यही आत्मविश्वास इन चीतलों को परेशान कर देती है। कुछ ही क्षणों में ये मौका परस्त शिकारी
तेंदुए हरकत में आ जाती है। लेपर्ड 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 बेहद फुर्तीले और ताकतवर तेंदुए नजर नहीं आने के लिए मशहूर है। ये अपने शिकार को कुछ ही क्षण में मार सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क में लगभग 250 लेपर्ड हैं। ढोलखंड रेंज से कुछ ही किलोमीटर दूर आमवाला वाटर होल में इसको दूसरी बार इतनी देर तक देखना किसी करिश्मे से कम नहीं। ये लेपर्ड बचकर निकलने में माहिर होते हैं। कई शिकारी लेपर्ड की खूबसूरत खाल के लिए इसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन इसे इसी खाल के वजह से छुपने की आज़ादी मिलती है। उसकी मूल्यवान नज़र सब कुछ देख सकती है जो वो देखना चाहती है। यहाँ शिकार की विविधता इतनी है कि शिकारियों को भी सोचना पड़ता है। इस जंगल में जीवन की ताल कभी नहीं थमती। सूरज डूब रही है। एनिमल्स को नेचर में छोड़ते हुए अब समय है इस फॉरेस्ट से निकलने की।